हाँ फिर बस एकदम से हो ही गया, क्या कहते हैं चलो चलते हैं। करो भाई चल रहा है, चलो करो यार अभी। तो कैसे हो दोस्तों? तो भाई टाइम हुआ है 9:30 और दोलाकुआं तक पहुंच गए हम। सवारियां हमारी भाई जोश में हो या नहीं हो? बिल्कुल जी, जोश में, जोश और होश दोनों भाई, जोश और होश पूरे हैं। और दोलाकुआं हम पहुंच गए हैं। रात को जो निकलने का जो मजा है ना ट्रिप पे, वो अलग ही फील आती है। तो भाई हम बता दें, हम जा रहे हैं हरिद्वार और ऋषिकेश, ऋषियों की नगरी ऋषिकेश। बड़े टाइम हो गया था, 3-4 महीने हो गए थे, इतना लंबा गैप हो गया था हरिद्वार और ऋषिकेश का। तो काफ़ी खुजली हो रही थी खुजली मिटाने के लिए जा रहे हैं। और हमारे साथी अमित मेहरा जी, अजय भाई, शान मसूद शान भाई और चौहान साहब जी, और साथ में हम दीमान साहब। अभी जब हम रूट फॉलो कर रहे हैं, ये दिल्ली कैंट से होते हुए जा रहे हैं। देखो कितना क्लीन एंड ग्रीन है। ग्रीन तो दिन में ही देखेगा, क्लीन रात को भी देख सकते हो। और यह लाइटें वगैरह लगी हुई है यहाँ पर, साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखते हैं कैंट एरिया में। तो ये सुपर एरिया है यहाँ से निकलने का हमारा, और टाइमिंग भी बिल्कुल सही है, ना ही यहाँ पे कोई रश वगैरह है। अच्छा भाई अंकल जी को क्या बोल के आए हो? गंगा स्नान जा रहे, गंगा स्नान के लिए जा रहे। तो मन्नत जो मांगी थी अंकल जी ने, कल गंगा दशहरा है। कल गंगा दशहरा है, कल गंगा दशहरा है। रैली नहीं, हम एक बार गए हुए ना, हम एक बार गए हैं, गंगा दशहरा था उस दिन। भाई कनॉट प्लेस में और इंडिया गेट के आसपास बड़ी सेंसिटिव होती है पार्किंग, तो कहीं भी लगाएं तो सोच समझ के लगाएं। देखो टॉर्चन कर दिया बंदों समेत, उठ गाड़ियाँ उठा ली हैं। देखो जी बंदे बैठे हैं तीनों अंदर। और भाई ये नया अंडरपास बना है और सीधा हमको अक्षरधाम के पास ले जाएगा। देखो कितना सुंदर और बड़ा भी बहुत है ये। स्पीड लिमिट यहाँ पे 30 है और कैमरे वगैरह भी लगे हैं, तो इसलिए थोड़ा स्पीड का विशेष ध्यान रखें यहाँ पे। 30 है जी लिखा हुआ है। बहुत अच्छा अंडरपास बना हुआ है भाई, बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, मेरठ भाई यहाँ से है 72, और भाई मेरठ हाईवे के स्टार्ट करने के बाद ये फर्स्ट टोल आ गया है। तो टोटल जो यहाँ से हम चलेंगे दिल्ली से, तो उसके बाद 4 टोल आएंगे। तो ये पहला टोल आ गया यहाँ पे हमारा, देखते हैं यहाँ पे कितने का कटेगा। अजय कटेगा इधर अपना तो मैं बताना भूलिया भाई, ड्राइवर हमारे चेंज हो गए, हमारे साहब अजय जी आ गए हैं फुल भाई। क्या मजेदार सीन हो गया भाई, पहले टोल में टोल ही नहीं कटा हमारा, कटा ही नहीं, तीन गाड़ियां निकल गई फ्री में, चौथी भी निकल जाएगी भाई। क्या सीन हुआ, हमारा कुछ कटा ही नहीं टोल कटा ही नहीं, तो हमारे से आगे 2 गाड़ियां थी, वो गाड़ी वाला टोल के डंडे को उड़ाता हुआ आगे निकल गया, दूसरी गाड़ी निकली, उसके बाद भाई साहब लाइन पे लाइन गाड़ियां निकलनी शुरू हो गई, लाइन पे लाइन 4-5 गाड़ियां इकट्ठी निकल गई। खड़ी छोड़, अभी खुला छोटी वाला है भाई रास्ते पे, ऑप्शन बहुत है, सुखदेव ढाबा, चोटी वाला, बहुत ऑप्शन है यहाँ पे। अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए हरिद्वार यहाँ से आ गया 138। भाई हम ब्रेक ले लिया शिवा टूरिस्ट ढाबा पे, यहाँ डिनर करते हैं और फिर आगे जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी। अब यहाँ से हरिद्वार पहुँचने में लगेगा 1-1.25 घंटा, तो यहाँ पे डिनर करते हैं। अब टाइम हो गया काफ़ी, 12:15 हो गए हैं।
कैसा भाई टेस्ट? खाना तो एक नंबर। चुपके चुपके दो दिल। वेलकम टू हरिद्वार। हरिद्वार बस पहुंचने वाले हैं हम, आधे घंटे में हरिद्वार पहुंच जाएंगे भाई। और टाइम हो गया एक, फोर्थ टोल प्लाजा। दिए हमने पैसे दो गए हैं, दो तो हमारे फ्री में ही निकल गए। ये भी राजन अगर तो नॉन स्टॉप चलाता ले आएगा ना, ये भी फ्री हो जाएगा। डंडा इसका ऊपर हवा में होगा। नहीं नहीं उड़ा देंगे, उड़ा देंगे। चलो जी टैग ग्रीन कीजिए। हरिद्वार में आपका स्वागत है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। जय माँ गंगे। हरिद्वार हम पहुँच गए हैं। ओम नमः शिवाय। मनसादेव मंदिर पहाड़ी पर। ऋषिकेश 15 किलोमीटर रह गए भाई यहाँ से। चार धाम यात्रा यहीं से होती है स्टार्ट। बेस कैंप है ये चार धाम यात्रा का ऋषिकेश। जय हो। रात के 3 बजे ऋषिकेश की गलियों में यस हमारे मित्र घूम रहे हैं। अभी तो घूम रहे हैं, सिर्फ कह रहा है सिर्फ अभी घूम रहे हैं। होटल वगैरह का रूम थोड़ा हम बाद में देखेंगे, थोड़ा घूमेंगे, चाय पियेंगे, इन्हें ब्रेड बटर खाना है। उसके बाद क्या थोड़ा फिर देखेंगे, कहीं रूम अगर मिलता है तो लेंगे और सो जाएंगे, नहीं तो फिर घूमते रहेंगे ऋषिकेश की गलियों में। ये मज़ा है। और ये राम झूला देख सकते हैं यहाँ से पुल। देख जी गंगा मैया का दर्शन प्राप्त किए। जय गंगे मैया जी। सनिधिया इनके नाम से होटल है यहाँ पे बिल्कुल राम झूले के बिल्कुल सामने। हम अक्सर वहाँ पे 2-3 बार ले चुके हैं होटल, तो वहाँ पता करने जा रहे हैं। अगर वहाँ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो तपोवन चलते हैं मेन, जहाँ फुल मार्केट है। और ये सीता पुल है। कैसा चाय बनाता है? उछल उछल के नहीं उछाल उछाल के। ऐसा लगा कब्जा लेने जा रहे हैं रात को 3 बजे कब्जा लेने। कहानी सुनो। मिला रूम नहीं मिला? नहीं मिला यार। क्या बोला? हाउसफुल है। फिर क्या चलते? घाट तो खुले पड़े हैं, घाट तो खाली हैं, वहीं सो जाएंगे, लेट जाएंगे कहीं भी। क्या बाबू जी चलो 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 आओ। क्या बोलती पब्लिक, नींद आ रही है किसी को? नींद तो ले चुके हैं सारे। नींद हो गई। अच्छा 10-8 फुट की मछली है। मुझे पता ही नहीं, तो पहली बार आया। 10 बार तो तूने भी घुमा दिया ऋषिकेश। अच्छा रहने के साथ ही आऊँ मैं, सारा ये रास्ते वास्ते सब बता चुका भाई। जय बोले बाबा जी। जय हो जी। चाय पियेंगे? चाय तो पियेंगे।
और हमारा, अरे ये तो भाई साहब जाने पहचान लग रहे हैं। अरे भाई साहब, अरे कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से। कहाँ जाना है? हाँ हम छोड़ देंगे आपको, आइए आइए हम छोड़ देंगे आपको उत्तम नगर। उत्तम नगर भाई फुल तगड़ा पावर नैप ले रहा है, तो फुल पावर नैप ले रहा है, गाड़ी में भी लिया इन्हें पूरा, अखिया बंद करके पूरा ले रहा है। सट जगह ढूंढ ली, वैसे उसमें कोई बुराई नहीं है, सही है। रूम नहीं मिल रहा है, हम भी यहीं पे एक दो राजे भाई बारी बारी से लेट जाओ, रूम की जरूरत कोई ना है। ये देखिए भाई, ये रहा सीता रामपुल, सॉरी ये रामपुल, और सनिध्या नाम गए थे पता करने के लिए, जो कि फुल है, हमें रूम में नहीं मिला। अब यहाँ चाय पियेंगे, टाइम पास करेंगे। भाई टाइम क्या हुआ दिखाना घड़ी, क्या टाइम हुआ? 3:15 सुबह के। और ये फेमस गीता भवन जो कि बंद है, यहाँ पे सुबह खुल जाएगा 7 बजे। और यहाँ की पूरी भेड़मी पूरी मिठाई व्यंजन कैसे राज? बेकार है। चाय दो घंटे, चल बैठे बैठे, ऋषिकेश आए हैं, थोड़ा दान पुण्य करके जाएंगे, चाय पिलाई जाए बच्चों को। वाह आंटी जी चाय डाल रही है कुल्हड़ में। थोड़ा उधर जन चलो जी, उनको फोन में देखो, चाय देखो भाई, शुक्रिया आंटी को सब पता है, शुक्रिया। फोन की तरह देखो भाई, फोटो खींचेगा, हाँ फोटो खींचेगा। सुबह के 4:15 बज गए हैं और हम घूम रहे हैं भाई ऋषिकेश के किनारों पे, लोग स्नान करने आ गए हैं सुबह सुबह, हवा बहुत बढ़िया चल रही है, एकदम मस्त ताज़ी हवा, देखो फुल बहुत तेज हवा है। क्या हुआ हमारे शेरों को, शेर बैठ कैसे गए? शेर ढेर हो गए? नहीं, ये शेर ढेर होने वाले में से नहीं है। गेस्ट हाउस देखा हमने, वो गेस्ट हाउस तो है, ये बंद है, ये यहाँ कहीं रूम नहीं मिलेगा। आराम किया था, ये कितने देश आए हुए देख रहे हो? ये परमार्थ आश्रम पे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल मनाया जा रहा था, यहाँ पे कैलाश खैर और बड़े बड़े यहाँ पे बहुत ही अलग अलग कंट्रीज से काफ़ी लोग आए। देखिए सब कंट्रीज के यहाँ पे फ्लैग्स भी लगे हुए हैं। यह है गीता भवन, गीता भवन की मेन धर्मशाला, 1000 से ज़्यादा यहाँ पे कमरे हैं, यहाँ पे आके लोग रहते हैं, बेसहारा लोग पुराने जिनके दरबार से आके दिल्ली शहरों में नहीं रहना चाहते तो यहाँ के रहते हैं। यहाँ पे खाना मिलता है सात्विक भोजन, बिल्कुल बिना प्याज लहसुन के खाना, इतना बढ़िया, 50 रुपये की थाली और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और यह गीता प्रेस गोरखपालों की दुकान है, यही गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे ये ऋषिकेश की वादियों में हम घूमते हैं, और जो ऋषिकेश में संडे का जो जाम लगता है ना, वो अभी से दिखना शुरू हो गया है, यहीं से गाड़ियां पैक हो गई हैं और देख सकते हैं इसके अल्ट्रा जूम जो हम के लेंस से आप देख सकते हैं। हमें मालूम ही था, एक्सपेक्टेड था, ये तो एक्सपेक्टेड था। भाई लक्ष्मण झूले के पास से हम निकले हैं, यहाँ मौसम बहुत बढ़िया है, और यहाँ आना हो तो देखो भाई राफ्टिंग ही राफ्टिंग चारों तरफ, मौसम बढ़िया हो गया, बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए हैं। और ये पॉइंट है गोवा बीच के पास का, यहाँ से उतर जाओ, फेमस ऋषिकेश का गोवा बीच, ये पॉइंट है, यहाँ से नीचे उतर के नीचे जाओ और राफ्टिंग वगैरह। हाँ यहाँ तो बहुत मैगी शैगी चाय ब्रेड मक्खन, तो आज अपना सब सामान लेके आए हैं, कहीं अच्छी सी जगह देखेंगे, कैंपिंग करते हैं यहाँ पे। जय माता दी। हाँ जी भाई साहब कैसे, फ्रेश है जी?
कितना डबल फ्रेश है, डबल फ्रेश है और कवर नहीं है, अच्छा सा हमारे बैठे पॉइंट देखते हैं और कैंप लगाते हैं अपना भाई, कवर नहीं है बैठे देख लिया थोड़े होंगे आगे हमें पॉइंट यहां पॉइंट आगे बेल्ट खोल लेना ठीक है कौन से जी दो बेल्ट है भाई आगे धारा है धारा के पास कोई पॉइंट देखते हैं वहां पर अपना सेटअप लगाते हैं किचन ये वाला रैपिड भाई अच्छा सा सेटअप ढूंढने जा रहे हैं, गंगा जी यहाँ से बह रही हैं, थोड़ा सा आगे जाके धारा के पास देखेंगे अपना सेटअप किचन लगाएंगे, सब सामान लेके आए हैं अपना किचन का और किचन का सेटअप करेंगे और आज भाई सारे साथ में हेल्प करेंगे और बड़ा मज़ा आएगा, मैगी ब्रेड व्रेड सब लेके आए हैं, छोले वोले और बनाएंगे अपने और खुद खा के चाय भी बनाएंगे और मजे करेंगे भाई ठीक है भाई, सबने हेल्प करनी है, मिलके काम करना भाई ठीक है ठीक है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, अमित का ओके आ गया है, टिल्लू भाई कह रहा है अपना खाने में ओके है ऋषिकेश का आतंक कैंपिंग राफ्टिंग, ऋषिकेश जो है ना फेमस अभी इसी चीज के लिए है, कैंपिंग और राफ्टिंग के लिए भाई, अमित कितनी बार कर रही है राफ्टिंग, सात आठ बार, हमने तो करी दो तीन बार ही है, हमने राफ्टिंग दो तीन बार ही करी है, तीन चार बार की, टिल्लू ने करी है वन तो एक बार, फर्स्ट एंड लास्ट करा तुम्हारे साथ ही किया है, नीलकंठ महादेव मंदिर यहाँ से है 15 किलोमीटर और दुगड्डा 96 लैंसडाउन जाते हैं भाई इसी रास्ता, और ये जो गंगा जी है वहाँ से अलग हो गई है, पार्ट हो गई है और एक धारा यहाँ पे आ गई है, हमने जगह ले ली है और गाड़ी नीचे उतार रहे हैं, बात हो गई है भैया से, कह रहे नीचे जा सकते हैं तो अब अपनी गाड़ी यहाँ लगाएंगे, सामान वामान नीचे लेके जाएंगे, छाए में लगा दो, छाए में लगाओ, बैक करके छाए में लगा दो, बिल्कुल गंगा जी से हटके यहाँ पे धारा जा रही है, नीचे करेंगे कैंपिंग, उठा लो वो कह रहे कुर्सियाँ है नहीं है तो एक एक पत्थर उठा लो, टिल्लू बाजू एक एक पत्थर ले लो नीचे कुर्सियाँ है नहीं है, तू काम कर ये वाला सर पे उठा ले और ये हम कंधे पे उठा लेंगे, दिख रही धारा, वाह अरे रास्ता है ना बता दिया भैया ने, बिल्कुल कहाँ किनारे पे लगाएंगे कैंप अपना और खाना वाना सब नहाना धोना सब यहीं होगा, डुबकी लगाएंगे, रोड से भाई बिल्कुल नीचे आ गए और ये हमने यहाँ लास्ट टाइम कैंपिंग करी थी यहाँ पे, तो अब इस बार कैंपिंग करेंगे अपनी सेल्फ, वो होटल वालों की होती तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ रोड से भैया एक मिल गए थे, उन्होंने बताया पार्किंग में गाड़ी लगाई और ये यहाँ से नीचे आ गए हम और यहाँ पर कैंपिंग करेंगे, ये सामान ब्रेड व्रेड टोस्ट मैगी म्यूजक, ये हमारा सिलेंडर है और ये देखिए क्या व्यू है, मज़ा ही अलग है, और ये पानी है यहाँ बैठेंगे नहाएंगे, एक नंबर जगह है, एक नंबर, जी बाजी चलो गुजरा भाई गुजरा जल्दी आओ पूरे पानी गीला है ना तभी डर रहा है, ये ऋषिकेश की धारा में मजे लेते हुए तीनों दोस्त, स्टॉल लग गया दोबारा से
फुल डिमांड पे और मैगी रेडी हो रही है। हाँ। एक बड़ा पैकेट बनाया भाई, प्याज प्याज टमाटर डाल के बना दिया। हाँ। देखना स्वाद आता है नहीं आता है क्या, जहाँ तो नहीं देखे हो, दिखाओ। नहीं पानी ठीक है, थोड़ा पानी और चाहिए, बल्कि पानी और चाहिए इसमें। पानी भाई पानी डालेंगे, हल्का सा वो लगा के बना दे, जल्दी बना दे यार, बहुत भूख लग रही है। रेडी हो रही है। अच्छा। दो मिनट में मैगी नहीं बनती, प्रूफ हो गया। 15 मिनट हो गए बनते बनते, आधा घंटे लग जाता है। कैसी बननी चाहिए लास्ट टाइम जैसी? बस 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 बस, क्यों अजय याद है कैसी बनी लास्ट टाइम? मैगी पहाड़ों की मैगी रेडी हो गई है और भाई लोग मजे ले रहे हैं। भाई कैसे बनी है? एक नंबर है, एक नंबर भाई। शब्बे लाला है, शब्बे अजय बहुत बढ़िया, फुल एंजॉय। और धूप चली गई है, पहले धूप बड़ी तेज थी और यहाँ के लोकल लोग भी वो पहले बैठे हुए थे, 5-7 लड़के थे वहाँ पे बैठ के खाना वाना बना रहे थे अपना, वो चले गए। वो कह रहे कि एंजॉय करो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। और पहले हम जहाँ रुके थे वो सामने करोड़ चट्टी रिजॉर्ट है, इस बार हमने रिजॉर्ट तो लिया नहीं है तो गाड़ी ऊपर लगाई पार्किंग में और यहाँ आ गए नीचे। और क्या मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत बढ़िया है, ना गर्मी है ना ठंड है। और ये पहाड़ों की मैगी मज़ेदार। सारा सामान समेटने के बाद निकल पड़े, थाली में डाल लिया ना सब कुछ डिस्पोजेबल, सारा कूड़ा इसमें इकट्ठा कर लिया। हाँ सिलेंडर ले लेना, कूड़ा नहीं है तो नेक्स्ट टाइम काम आएगा। देखो भाई सारा साफ कर दिया, कभी भी आप आओ ऐसी जगह पे तो पूरा साफ सूफ करके हमने यहाँ पे सेटअप लगा रखा था अपना, कुछ भी कूड़ा नहीं छोड़ा यहाँ पे। पूरा साफ करने के बाद आ रहा हूँ। मैंने 25 लीटर का मेरे नाम भी तो रख दिया म्यूर जग, वो तो उठाना है। ऋषिकेश से निकल के हम पहुँच गए हरिद्वार, लंबा वाला हरिद्वार करेंगे अब स्नान, गंगा स्नान, और यहाँ पे अपनी फेवरेट मोहन जी की पूड़ी खाएंगे और फिर निकलेंगे अपने घर की, हर की पैड़ी के बाद घर की पैड़ी। जय मेरी गंगा मैया, हर हर महादेव, जय गंगा मैया। भाई ठंड तो लग रही, मौसम ठीक है, ठंड तो लग रही भाई, भीनी भीनी ठंडी गर्मी मिक्स मौसम है। जय गंगा मैया की, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की। हरिद्वार मोहन जी की पुड़ी वाले के बाद वही रश, सेम सुबह 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक यही रश रहता, सेम। खूब हलचल है, संडे है और ये द्वार है। जय गंगा मैया की। चलो चलते हैं स्नान करते हैं। जय गंगा मैया, गंगा स्नान करते हैं, चलते हैं भाई। दृष्टि स्नान में नहीं है। ओह हाँ हाँ, जय गंगा मैया की। गंगा स्नान हो गया और उसके बाद एकदम फ्रेश फ्रेश फील हो रहा, पानी बहुत ठंडा था, 5-7 मिनट लगे नॉर्मल होने में, उसके बाद सही हो गया। क्यों पार्टनर? हाँ जी। अब तो लग रही ठंड, ठंड है शुरू में लग रही थी, थोड़ा ठंडा शुरू में लग रहा था, थोड़ा चल रहा अब ठीक हो गया। हाँ हाँ, ये भाई जी हमारे ने पंच स्नाना किया, छिट्टे छिट्टे हमारे को स्नान किया इन्होंने, पंच स्नाना किया और अजय ने कौन से दृष्टि स्नान। जय गंगा मैया जी, चलते हैं पूरी खाते हैं। हमारे प्यारे अंकल जी मोहन पूरी जी वाले, वेटिंग रात को देखो टाइम हो गया है 8:30 और वेटिंग फुल है अभी, गर्मा गर्म आलू छोले, आलू छोले देने, आलू छोले 4 पूड़ी हलवा। और हमारी स्पेशल मोहन की पूड़ी और ये लस्सी। बाजी बड़े दिन बाद मिली है, बड़े दिनों के बाद मिली है ये पूड़ी। एक और कर देना भैया लस्सी, वाओ लस्सी एक और कर देना, लस्सी एक और।
भोजन कर लिया, पूरी खा ली। अमित भाई ने तो खाई नहीं, गोलगप्पे शप्पे खाए। खाना वाना हो गया भाई, अब चलते हैं घर की तरफ। घर की पैड़ी के बाद घर की पैड़ी, चलो फिर चलते हैं। और फिर नेक्स्ट जल्दी किसी वीडियो में मिलेंगे दोबारा, देखते हैं अब चलते हैं। अभी तो राजन का प्रोग्राम बन रहा है अपनी फैमिली के साथ घूमने जाने का मसूरी, तो ये वहाँ के फिर वीडियोस अपलोड करेगा, वहीं हम चैनल पर डालेंगे, बच्चे बनाएंगे। अब राजन के ऊपर आए, ये नेक्स्ट वीडियो उसके घर से आएगी। ओके जोश, अब हो जाएगा भाई ये जैन शिकंजे वाले भाई साहब। Yeah, that was yeah, it was good.